नमस्ते साथियों, मैं योगाचार्य सोहित शास्त्री। आज आपके लोअर बैक में होने वाली L4-L5 डिस्क बल्जिंग के विषय में चर्चा करूंगा। आजकल ये समस्या आम होती जा रही है और मैं देखता हूं कि भारत के अंदर लोअर बैक की समस्या, चाहे स्लिप डिस्क हो, साइटिका हो या L4, L5, S1 में कोई समस्या हो, डिस्क नर्व दब जाती हो या टांग में दर्द जाना, टांग में लेफ्ट में या राइट में कोई भी किसी तरह के झंझनाट रहना, एक समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। आज इसके विषय में मैं आपको ज्यादा थ्योरी देने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि सबको पता है जब कोई रोग किसी को हो जाता है तो उस रोग में वो उसका खुद डॉक्टर बन जाता है, वो उसकी पूरी PhD सी कर लेता है, उसके बारे में सब कुछ जान लेता है। तो आइए हम जानते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से आसन करने हैं और किस तरह से करने हैं। बहुत सारे लोग भारत के अंदर योग करा रहे हैं, आप कर भी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लाभ भी ले रहे हैं। परंतु यदि ठीक प्रकार से आपने इन आसनों का अभ्यास कर लिया, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है आसन आपके पुराने हों। आसन को करने का एक मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि ब्लड सर्कुलेशन हो, ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में उस टिश्यू में, उस ऑर्गन में, उस नर्व के अंदर पहुंच जाए और वहां फ्लेक्सिबिलिटी होने लगे, नर्व जो दब गई है वो खुल जाए, वो प्रॉपर तरीके से वहां रक्त का संचार होने लगे। और देखिए सबसे बड़ी बात, कई बार योग करते हुए बहुत सारे लोगों को काफी समय हो जाता है लेकिन उनको लाभ नहीं मिलता, उसका बड़ा कारण है कि आसन को सही तरीके से नहीं करना। देखो आसन सही तरीके से करना, आसन का सीक्वेंस, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। आप यदि सीक्वेंस के साथ आसन करेंगे, सिस्टम से करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको जो भी उद्देश्य है, जिस भी कारण से आप आसन कर रहे हैं, वो जिस भी रोग के लिए आप आसन कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से आपका रोग ठीक हो जाएगा। तो आइए जानते हैं आसन के बारे में। बस एक छोटा सा निवेदन, जो भी मेरे चैनल पर इस पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त हो सके। तो आइए सबसे पहले जो आसन का अभ्यास हमें करना है, वो आसन का अभ्यास करना है लेट कर, लेट जाएं और लेट कर सीधे लेट जाएंगे, कमर के बल लेट करके। सबसे पहला आसन, मैं थोड़ा आवाज के लिए माइक को सेट कर रहा हूं, तो सबसे पहले आपको करना है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए आपको पहले अपने बाएं पैर को लेग को मोड़िए और घुटने से पकड़िए, अपनी ओर दबाएं, जितना आप अपनी ओर दबा सकते हैं दबाइए, दूसरा पैर एकदम सीधा रहेगा और सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को नीचे टच कर। सांस भरते हुए वापस। इसमें आपको विशेष ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि कुछ समय के लिए आपको होल्ड करना है, कम से कम 10 सेकंड एक आसन में बने रहेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। दूसरे पैर से करिए, सांस बाहर और चिन आपको टच। इस आसन को आपको 10 सेकंड होल्ड करना। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर वापस और एक एक लेग से कम से कम 5-5 बार आप इसका अभ्यास करना। मैं यहां पर कम करा रहा हूं जिससे कि ये कार्यक्रम लंबा ना हो, एपिसोड लंबा ना हो। देखिए सांस बाहर वापस, फिर दूसरे लेग से सांस बाहर, दूसरा लेग भी आपका एकदम स्ट्रेट रहेगा, फिर बाएं से किया, दाएं से किया और उसके पश्चात हमें दोनों लेग से करना। दोनों लेग को मोड़िए, सांस
छोड़ते हुए, बाहर निकालते हुए, एक्सहेल करते हुए, चिंता। इसमें आपको ध्यान देना है, यदि गर्दन में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, तो केवल आप अपनी लेग को पुश करेंगे, नीज को पुश करेंगे, हेड को नहीं उठाएंगे। और यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, शोल्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप फाइनल पोजीशन सांस बाहर, ये इसमें भी आपको 10 सेकंड होल्ड करना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे से वापस ध्यान देंगे इस आसन को 10 बार करना है। हम ये बड़ी गलती करते हैं, जल्दी जल्दी आसन किए और एकदम से छोड़ दिया। बाएं पैर से 5 टाइम्स, दाएं पैर से 5 टाइम्स, फिर दोनों लेग से 10 टाइम्स और 10 सेकंड होल्ड करके एक आसन में आपको कम से कम 5 मिनट लगनी ही चाहिए, अगर आप उसका सही लाभ लेना चाहते हो। अब दूसरा आसन करेंगे, इसको सेतु बंदासन कहते हैं। दोनों लेग को मोड़िए, दोनों एड़ियों को, पैरों को अपने हिप्स के दोनों साइड में रखिए और एंकल पकड़िए दोनों हाथों से, सांस भरते हुए बीच से ऊपर उठाइए, सेतु बंदा जितना आप ऊपर उठा सकते हो उठाइए सांस भर के, और इसको भी 10 सेकंड होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, फिर से करें, इनहेल आउट, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर कर लेते हैं, आपको ये भी आसन 10 टाइम्स करना है, 10 बार करना है। फिर से चलिए, इनहेल, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने पवन मुक्तासन और सेतु बंदासन का अभ्यास किया, इसके पश्चात यहां पर आपको पलट जाना है, पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेटकर आपको अर्ध भुजंगासन पहले करना है। आवाज के लिए थोड़ा अर्ध भुजंग के लिए दोनों हाथ ऐसे रखिए, देख लेंगे, एल्बो तक आपको ऊपर उठना है, सांस भर के दोनों पैर पीछे मिले रहेंगे, इसको भी 10 सेकंड होल्ड करना है और 10 टाइम्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, फिर से 1 2, इसमें हेड को ऊपर जितना ऊपर आप देख सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आपका दर्द धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाए तो आप पूर्ण भुजंगासन भी कर सकते हैं। डिस्क को सेट करने के लिए, जो आपके L4, L5 में कई बार गैप भी आ जाता है या वहां पर नस दब जाती है, कार्टिलेज घिस जाते हैं, फ्लूड की कमी हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए, डिस्क को सेट करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के लिए इन आसनों का अभ्यास हम यहां पर आपको करा रहे हैं। तो आप इसके बाद में आपको पूर्ण भुजंगासन ऐसे कर सकते हैं, सांस भरिए, एल्बो को स्ट्रेट करते हुए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यदि आपको दर्द है, पेन है, तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में आपको पूर्ण भुजंगासन नहीं करना है। धीरे धीरे सिस्टम स्टेप बाय स्टेप आप अपने आसन को करते जाएंगे। इसके पश्चात एक आसन बहुत विशेष है, कई बार उसको डॉक्टर्स मना भी करते हैं,
परंतु योग में मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया लोअर बैक के लिए चाहे L4 L5 S1 हो उसमें या स्लिप डिस्क हो साइटिका हो उस स्थिति में आपको अगर स्टिफ रहती हो लोअर बैक उस स्थिति में आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठकर शशांक आसन का अभ्यास करना है। शशांक आसन के लिए दोनों हाथ ऊपर सांस भरते हुए इस आसन में आपको एक चीज मैं आपको बताता हूं। सुबह उठकर जब आपको लोअर बैक में कोई मसल्स आपकी वीक हो गई उम्र के साथ साथ मसल्स वीक हो जाती हैं टिश्यूज वीक हो जाते हैं कोशिकाएं नई बननी बंद हो जाती हैं ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है तो हमारी लोअर बैक कई बार स्टिफ रहने लगती है प्रातः काल सुबह उठते समय। तो सुबह उठ करके भी आप इस आसन को केवल शशांक आसन को ऐसे कर सकते हैं। वज्रासन में बैठकर वज्रासन में बैठ करके सांस छोड़ करके पूरा नीचे जाएगा वो हिप्स आपके पैरों के ऊपर रहेंगे इसमें आपको हिप्स को नहीं उठाना है। तो ये वज्रासन आपने किया इसी में आपको एक करना है मार्जरी आसन उसको कैट एंड कैमल भी कहते हैं। थोड़ा सा देखने लायक है तो टेक्निकल भी है समझने के लिए आप समझ लीजिए एक बार। ऐसे आप अपने घुटनों के ऊपर आ जाइए घुटनों के ऊपर आ जाए और हाथों के ऊपर आ जाए सांस भरते हुए कमर नीचे जाएगी हेड ऊपर जाएगा सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर जाएगी हेड नीचे। ये देखो स्पाइन मसाज भी इसको बोलते हैं। इसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि जो आपका पेट है आपकी जो टमी है इसको पूरा टाइट करके रखो पीछे की ओर इतना टाइट करो कि आपको यहां से कमर खींचने लगे। देखिए इस आसन को भी आपको कम से कम 10 बार और अधिक से अधिक 20 बार तक इस आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं। आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ में जब आपकी धीरे धीरे कमर ठीक होने लगे शलभासन है धनुरासन है यानी बैक बेंडिंग के जितने भी आपके आसन हैं लोअर बैक को जितना भी खोलने वाले आसन हैं उसकी स्टिफनेस को दूर करने वाले आसन हैं वो उन सभी आसनों का अभ्यास आप कर सकते हैं। और मैंने जो आज आपको ये सीक्वेंस दिया है ये इस तरह से यदि आप करते हैं तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आपकी लोअर बैक की जो समस्या है वो हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। वरना स्थिति तो ये होगी कि आपको सर्जरी कई बार डॉक्टर MRI आदि करा के सर्जरी आदि के लिए बोल देते हैं और सर्जरी डॉक्टर भी बोलते हैं कि 100% सफल नहीं होती है। तो इसीलिए आप अपनी कमर को अपने पोस्चर को ठीक करके भी कर सकते हैं। कुछ लोग आगे ऐसे झुके रहेंगे सोफे पे पड़े रहेंगे आपको पूरे दिन कमर को तीर कमान धनुष बना करके रखते हैं कमर को जितना आप सीधा रखेंगे जितना सीधा रखेंगे जितना स्ट्रेट होकर के बैठेंगे तो आपकी कमर की समस्या नहीं होगी। खान पान का ध्यान रखिए बादी वाली चीजों से आप बचिए बाहर की चीजों से बचिए फास्ट फूड आप मत खाइए नॉनवेज मांसाहार का सेवन बिल्कुल मत कीजिए शुद्ध सात्विक आहार खाइए सब्जियों का सेवन कीजिए हल्का सुपाच्य भोजन लीजिए पानी की मात्रा आप ठीक ठाक रखिए। एक और बात मैं साथ साथ बताता हूँ पेट को आप ठीक रखिए। यदि आपका पेट खराब है पेट फूलता है पेट में गैस बनती है और पेट आपका बाहर निकल आता है तो उस परिस्थिति में भी आपके लोअर बैक में दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा। सावधान हो जाइए सतर्क हो जाइए स्वयं अपने आप को अपने आप से ठीक कीजिए तो निश्चित रूप से आपको दवाइयों से मुक्ति मिल जाएगी दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। तो मुझे आशा है कि आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। फिर हम आपसे नए विषय पर मुलाकात करेंगे। आज के लिए दीजिए मुझे आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरा प्रणाम।